अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ वही रमज़ान की रीडिंग शेयर करूंगी। कुछ चीज़ें मैंने न्यू शेयर करूंगी, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाती हैं फिर रेगुलर वो चीज़ें करना। तो हम अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। किसको बुला रही हो? बुलाओ। नहीं आ रही। कब आएगी? कब आएगी? तो वो जो हानिया का क्लिप था, वो दिन का क्लिप था। मैंने दिन में बनाई थी उसकी, तकरीबन ना 1-2 बजे का टाइम था वो। उसके बाद ये वाला सीन जो है आप लोग देखें और ये अफ्तारी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और अभी जो है मैं काफ़ी सैड हूँ इस वजह से, क्योंकि रात को मैंने खुशी खुशी वीडियो बनाई कि सुबह अपलोड करूँगी। और जो है मैं सुबह उठ के देखा, मुझे 3 बजे जो है ईमेल आई कि आपकी जो है ऐड बन चुका, ऐड जो है बंद हो चुके हैं। तो कल मुझे एक कमेंट आया था, मुझे तो लगा उन्हीं की नज़र लगी है। उन्होंने कहा था आपकी ऐड स्टार्ट हो गए हैं और आपको पैसे मिलेंगे। खैर मैं मजाक कर रही हूँ, ये तो मैंने ही मैंने बोल दिया। खैर वो बुरा ना माने अगर वो वीडियो देखें तो, जस्ट मैंने ऐसे मजाक कर दिया है। और अभी मैं बहुत ज़्यादा सैड थी, फिर नॉर्मली मैं ठीक हुई हूँ। क्योंकि फिर देखते हैं क्या होता है, मेरे जो है एडसेंस में कोई प्रॉब्लम हो रही है और मुझे जो है पिन नहीं रिसीव हो रही है, इस वजह से जो है मेरे साथ ये प्रॉब्लम आई है। और बस मैंने फिर सोचा कि वीडियो नहीं बनाऊंगी मैं, क्योंकि मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ चुकी है। और जो है कुछ लोग जो आते हैं 2-3 महीने में ही, उनको अच्छे खासे जो है मतलब समझ जाए आप, उनको तरक्की मिल रही है। और मैं काफ़ी टाइम से 2 साल हो गए मुझे ये करते करते, लेकिन जो है बस नहीं हो रहा मेरा जो काम है वो। लेकिन मुझे ना बस 2 चीज़ों का शौक़ है। एक मुझे पीना आती है ना, उसका बहुत ज़्यादा शौक है मुझे, भले मेरे पेमेंट ना आए उसका मुझे शौक नहीं है। और वो जो एक बटन मिलता है ना, वो जो मिलता है, बस मुझे इन 2 चीज़ों का शौक है। मुझे बहुत ज़्यादा शौक है उन 2 चीज़ों का कि वो जो मेरी 2 चीज़ें हैं वो आ जाएँ, बट नहीं आ रही हैं। खैर कि मैंने सोचा कि जब हम कंटिन्यू करते हैं, पहले भी तो हम वीडियो वगैरह बनाते थे, अभी आप लोग की दुआ चाहिए कि वो जो प्रॉब्लम आई है वो सॉल्व हो जाए मेरी। और मैं जाऊँगी अब अफ्तार करने, क्योंकि मैंने सारा सामान जो है तैयार कर दिया है। और अभी जो टाइम हो रहा है अभी ये घड़ी जो है ना 10 मिनट आगे, अभी 6:30 बज रहे हैं तो हम जाते तो हैं। तो आप लोग जो हैं बहुत सारी दुआ कीजिएगा मेरे लिए, जो मेरी प्रॉब्लम आई है वो जो है जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सैड थी। मैंने ना व्लॉगिंग बंद कर दी थी अभी बीच में, मैंने कुछ भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। फिर मैंने कहा चलो करना चाहिए, ऐसा नहीं अचानक से बंद हो जाए सब कुछ। तो जी उसके बाद जो है मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, और देन जो है ये मैं आपसे सैरी की रूटीन शेयर कर रही हूँ। लेकिन मतलब ये ना सैरी की रूटीन मतलब ये दूसरे वाले रोज़े की थी, अभी जो आप लोगों को दिखाऊंगी वो दूसरा है, अभी आप लोगों को समझ आएगा। तो ये देखे मेरे कारनामे जो मैंने किए थे, और बस ये उस दिन जो है ना मैंने यही वाली पहनी की वीडियो बनाई थी, उसके बाद मैंने कुछ नहीं बनाया। तो भाई मैं यहाँ पर जो है ये बना रही थी फैनी, और इसके अंदर मैंने चीनी डाली। रोज़ाना चाय रखती हूँ ना, तो 14 दिन है आज चाय रखने का, तो मैं समझी मैं चाय बना रही हूँ, और मैंने डाल दी पत्ती। अब इसके अंदर चीनी और पत्ती मिली हुई है, और ये जो है अम्मी ये ज़ाया हो गई, इसका क्या करेंगे फिर हम? फिर अम्मी ने जो है इसमें अलग करी है निकाल के और इसमें अलग की, और वो मुझे कह रही है, जब भी कहते हैं रात में सो जाओ ताकि दिमाग उठ के सही चले, लेकिन हम सोते नहीं हैं। अब इसका क्या होगा, इसको खाएंगे हम क्या? पत्ती पत्ती लगेगी अजीब सी। और अभी मैंने ऐसे बोला इसको खाएंगे क्या, जैसे हम बंगाली हैं, और जो लोग बंगाली वीडियो देखते हैं कि पता नहीं क्या क्या निकलता। तो फिलहाल कल तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने हरकत की थी इसके अंदर, लेकिन आज मैंने नहीं की है। आज मैंने पत्ती को ना बहुत ज़्यादा दूर रख दिया, ताकि वो जो कल वाला सीन था वो आज ना हो, ठीक है। और यहाँ पर जो है मिल्क हो रहा है, और आज जो मेन्यू में है हमारे कोफ्ते हैं और आलू हैं। अभी
इसलिए दिखा रही हूँ कि बाद में पता नहीं दिखा पाऊँ या ना दिखा पाऊँ, क्योंकि लेट हो जाता है। ठीक है, नीचे परांठे बनेंगे और बाकी जो है ये बर्तन मैं धो रही थे क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी डाउन हो रही थी, अभी मैं देखती हूँ उसको धोते हैं नहीं। ठीक है, तो ये करने के बाद चाय बनाऊँगी। चाय मैंने बाद में रखनी है, पहले मैंने इसको रखना है ताकि पत्ती ना आ गई। यहाँ पे मैं चाय ले आई क्योंकि मैं परांठा जो है चाय से खाती हूँ, ज़्यादा सालन नहीं खाती क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है। यहाँ पे मैं इसमें मिल्क डालूँगी जो कि मैं लेकर आई हूँ, ताकि मुझे घड़ी घड़ी जाना ना पड़े, और लेडीज़ को जो है घड़ी घड़ी जाना पड़ता है, और ये मेरी है क्योंकि मैं ऐसे सुबह सुबह खाती हूँ। इसमें से बचा के वापसी इसमें डाल दूँगी, लेकिन इसमें से इसमें हरगिज़ नहीं लूँगी मैं, क्योंकि ये भी बहुत है मेरे लिए। और अभी मैं खाती हूँ, स्टार्ट करती हूँ। ठीक है जी, आप लोगों से मिलती हूँ फिर। तो सहरी वगैरह हो गई थी, जिस तक हाथ भी उठा लिया था मैंने, बर्तन वगैरह भी धो लिए थे, और नमाज में भी टाइम था, तो मैंने सोचा चलो तस्बीह पढ़ लेती हूँ मैं, तो मैं तस्बीह पढ़ लेती और जो है नमाज में अगर टाइम हो वजू करके पहले से बैठ जाते ना। ये ना मेरी सिस्टर जो है ना, उनकी आदत मुझे ये आई है, कभी कभी जो है टाइम हो रहा होता है तो जाना नमाज पर वजू करके जल्दी से बैठ जाते हैं। वैसे मैं दिखाना नहीं चाहती, लेकिन फिर मैंने सबकी वीडियो देखी क्योंकि नमाज रोज़ा इबादत जो है करते हुए दिखा रहे हैं वीडियो, तो फिर मैंने कहा कि रमज़ान की वीडियो तो चलो यही होती हैं, आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। और आप लोग बताएं कैसे जा रहे हैं आप लोग के रमज़ान, और कौन कौन रोज़े रख रहा है, कौन कौन छोड़ रहा है। वैसे तो तबीयत ख़राब हो जाती है सबकी, तो छोड़ना पड़ते हैं, वैसे छोड़ना नहीं चाहिए लेकिन बस मजबूरी में जो है वो छोड़ लेते हैं। और यहाँ पर जो है मैं जानमाज दिखा रही थी, कितने अच्छे तरीके से बनाते हैं ना ये, मतलब बहुत अच्छा होता है जानमाज जो बनाते हैं, बारीकी से काम होता है और जो है बहुत प्यारी लगती है। सबके घर में माशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी होती हैं, और किस किस के रोज़े पूरे जा रहे हैं, और किस किस के जिसने बीच बीच में छोड़ दिए हैं, कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है तो छोड़ देते हैं, जैसे एक दिन, कोई कोई ऐसे रखते हैं रोज़े एक दिन करके, दो दिन करके। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो पूरे जा रहे हैं, और हमारे घर वालों के भी पूरे जा रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से। और जो है आगे अगर छूट गए तो आप लोगों से बताएंगे कि भैया अब नहीं छूटे। मैं वैसे व्लॉगिंग करना तो है रेगुलर चाह रही थी, लेकिन फिर ये हुआ कि रेगुलरली वही मतलब होती है रूटीन, तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की कि रेगुलर एक जैसी चीज़ें होती हैं। लेकिन फिर ये था कि व्लॉग नहीं बनाए, चलो वीक में तो दारी दूँगी। और यहाँ पर मैं दिखा रही थी कि सुबह हो चुकी है, और सुबह के टाइम सहरी के बाद नींद नहीं आती, वैसे तो रात में भी नहीं आती है, हम लोगों को नींद सुबह भी नहीं आती है, बस नींद का मसला चल रहा है। और यहाँ पे जो है 6 बज रहे थे कुछ, और अम्मी जो हैं टीवी देख रही थी, न्यूज़ देख रही थी क्योंकि लॉकडाउन का सुन रहे हैं, तो जो है वो सुबह सुबह न्यूज़ देख रही थी कि क्या सूरत हाल है, बसें वगैरह चलेंगी या नहीं चलेंगी, तो इसलिए जो है यहाँ पे अम्मी जो हैं टीवी देख रही थी। और आप लोग बताएं सहरी के बाद क्या करते हैं, उठे रहते हैं, सो जाते हैं, या कोई काम करते हैं? कुछ लोग जॉब जाते होंगे, कुछ लोग जो हैं काम करते होंगे, जैसे विलेज में जो औरतें होती हैं, आंटियाँ जो होती हैं वो तो काम ही कर रही होती हैं, और जो लड़कियां होती हैं वो सो जाती हैं सहरी करके। लेकिन मैं भी सो जाऊं क्योंकि सुबह में कोई काम होता नहीं है, लेकिन नींद ही नहीं आती इस वजह से सोते नहीं हैं। और जो है सहरी के बाद जो है बस फिर मेरी यही रूटीन थी जो मैंने आप लोगों से दिखाई। अभी ना मैं यहाँ पर कढ़ाई कर लेते हैं। तो जी यहाँ पर धुआं धुआं सा हो रहा है। ठीक है, तो चिकन कढ़ाई बना रही हूँ मैं, क्योंकि समझ नहीं आता रोज़ रोज़ क्या बनाएं, तो आज जो चिकन कढ़ाई बना रही थी इसको मैं भून रही हूँ जो कि अभी तैयार नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि अफ्तारी में भी जल्दी जल्दी खुल जाती है, फिर जो है ना टाइम नहीं होता। और जी यहाँ पर जो है आनिया जो है खेल रही थी, आनिया आई हुई थी जो है ना इसकी वीडियो बना ली थी, जैसे मैंने बताया कि रोज़ आती है वो, इसको जो गाना है ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। क्या हुआ आनिया? वो देखो क्या कर रहा है, वो देखो, समझ ही नहीं आती है। आनिया समझाओ उसको। तो भाई हानिया और बच्चों की मस्तियाँ तो चलती रहेंगी, हम वीडियो को करते हैं यहीं पे स्टॉप क्योंकि वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मिलेंगे आप लोगों को एक नई सी वीडियो या नए से व्लॉग के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, शेयर भी कीजिएगा।
और लाइक भी कीजिएगा, शेयर ना भी करें तो चलेगा, पर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।